और देखते हैं कि ये जब बिजली नहीं जाता है तो काम करता है कि नहीं। ठीक है, ये रहा एसी का केबल और ये हम लगा रहे हैं वायर। देखिए लाइट कटा हुआ है, इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। और चलिए देखते हैं आगे वाले बोर्ड का क्या स्थिति है। तो चलते चलते हम आए हैं अगले वाले बोर्ड में और इसमें भी ये सेम शो कर रहा है कि इसमें अभी लाइट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जब लाइट आती है तो हम दिखाते हैं कि इसका दोनों बोर्ड में क्या असर आ रहा है। ठीक है, आइए आज हम देखते हैं कि ये दोनों मल्टीमीटर है, एक डिजिटल मल्टीमीटर है और एक क्रैम टाइप मल्टीमीटर है। आइए देखते हैं दोनों का अनबॉक्सिंग और ये काम कैसे करता है। और ये दोनों मेको कंपनी का है, तो इसका प्राइस हमको पड़ा है 4869 रुपया और इसका प्राइस है 1200 रुपया। तो देखते हैं कि 1200 वाला का क्या काम है और 4800 का क्या काम है। तो आइए और इसका अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। आइए हम इसका पहले हम ये डिजिटल वाले का एक अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको रखते हैं साइड में और इसको देखते हैं क्या है इसका। पहले खोलते हैं तो ये देखिए, ये मिला हमको डिजिटल मल्टीमीटर और इसमें मिलता है वायर कुछ और ये इसका पन्ना है और इसका वारंटी कार्ड है ये सब। चलिए इसको बंद करते हैं और देखते हैं ये काम कैसे करता है। चलिए इसका पन्नी खोलते हैं। निकालते हैं इसमें से मल्टीमीटर। दोस्तों देखिए इसको सेट कैसे करते हैं। तो ये दो वायर है, एक कॉमन में सेट करते हैं और एक ज़रूरत के हिसाब से। जैसे कि मानिए हमको अभी 10 एम्पियर तक का यूज करना है तो ब्लैक को डालते हैं कॉमन में और ये हम यूज करेंगे 10 एम्पियर के साथ। ये हमको मिल गया। आइए इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं, देखते हैं इसको फिक्स करते हैं ये डायोड वाले पे और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो हमने अभी 10 एम्पियर का यूज नहीं कर रहे हैं, डायोड वाला थे, इसका कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो आइए इसको देखते हैं सटाकर दोनों वायर को कि ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसे ही हम दोनों वायर को टच करते हैं तो ये आवाज़ दे रहा है और इसमें देखिए ये रेड कलर का लाइट भी जल रहा है। इसका मतलब कि ये एकदम ठीक ठाक काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको बंद करते हैं और आइए देखते हैं ये क्रैम्प वाला मल्टीमीटर, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। देखिए ओ माय गॉड, इसमें देखिए ये पहले तो ये इतना अच्छा सुरक्षित रखा हुआ है एक बैग में। इसको ओपन करते हैं। ओ माय गॉड, इसमें भी दो वायर मिलता है। ये रहा 5000 वाला मल्टीमीटर और इसमें ये वायर क्या है। चलिए इसका भी देखते हैं यूज़ क्या है। और इसमें पहले की तरह कागज़ मिला और यह मिला। इसको रखते हैं डब्बा को साइड में और इसका देखते हैं, इसको ऑन करके देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। पहले इसका पॉलीथीन निकालते हैं। ये फाड़ते हैं पन्नी इसका, लगाते हैं ये कॉमन में और ये देखिए ये ऑन हो गया है। लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पे आसपास में इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए देखिए ये बहुत ही कम मात्रा में लेकिन डीसी करंट शो कर रहा है। जैसे ही इसको मशीन की वजह से क्या हो रहा है। अभी लाइट कटा हुआ है और देखते हैं कि ये जब बिजली नहीं रहता है तो काम करता है कि नहीं। ठीक है, ये रहा एसी का केबल
और ये हम लगा रहे हैं वायर। देखिए लाइट कटा हुआ है, इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। और चलिए देखते हैं कि आगे वाले बोर्ड का क्या स्थिति है। तो चलते चलते हम आए हैं अगले वाले बोर्ड में, और इसमें भी ये सेम शो कर रहा है कि इसमें अभी लाइट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जब लाइट आती है तो हम दिखाते हैं कि इसका दोनों बोर्ड में क्या असर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। पहले हम वायर को हटाते हैं और देखते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में कैसे काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वायर को हटाते हैं और चलिए, ये मेरे पास एसी का वायर जुड़ा हुआ है, चलिए इसको लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये क्या कार्य कैसे करता है। ये देखिए, ये हमने लगाया और ये इलेक्ट्रिसिटी को शो कर रहा है। चलिए अब हम बाहर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ तक फील्ड नहीं आ रहा है। जैसे ही इसके नज़दीक में जा रहा है, तो ये फील्ड शो कर रहा है। ये देखिए, इसमें लगभग 0.8 एम्पियर का करंट है, ये बता रहा है जैसा कि। चलिए हम दूसरे वायर में ले जाकर चेक करते हैं कि ये बता रहा है कि नहीं। बढ़ते बढ़ते हम रूम के अपने दूसरे छोर पर आए हैं, और चलिए ये बोर्ड है मेरे पास, देखते हैं कि इसका फील्ड कितना दूर तक है। देखिए, यहाँ तक तो ये लगभग 1 फीट है, 1 फीट तक करंट कुछ शो नहीं कर रहा है। और जैसे ही इसके नज़दीक हम जा रहे हैं तो देखिए, ये इसका इंडिकेटर जल रहा है, मतलब कि यहाँ करंट है। और जैसे ही नज़दीक जा रहे हैं, वायर को हम स्पीड में ले रहे हैं तो ये शो कर रहा है। और जैसे ही इसके हम दूर आ रहा है, जैसे जैसे देखिए यहाँ पे कम करंट है, इसके लिए धीरे धीरे एलईडी ग्लो कर रहा है। और जैसे ही नज़दीक जा रहा है, जितना ज़्यादा करंट है उस हिसाब से ये शो कर रहा है। और जैसे ही हम बाहर आएंगे तो ये बंद हो जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अब तक के लिए कृपया करके लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम आपको दिखाते रहेंगे अपने।